रानी श्री राधिका रानी जय राधे राधे जय राधे राधे। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। तो सुबह से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। आज है 22 जनवरी। आज सब इंडिया वालों के लिए सबसे खास दिन होगा, क्योंकि आज जो हमारा मंदिर है अयोध्या का, वो पूरा हो चुका है और उसकी प्रतिष्ठा हो रही है। तो सब उस दिन का वेट कर रहे थे, तो आज वो दिन आ चुका है। तो उस खुशी में आज व्लॉग बनाना तो बनता है। तो अभी मैं सुबह, हमारी लाइट नहीं थी, लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इशू हो रहा है, तो लाइट जा रही आ रही। और आज पूरे इंडिया में छुट्टी है आज के दिन। तो बच्चों का आज, मेरे अनिशा का स्कूल ओपन था पर उसको छुट्टी होगी आज की, तो फिर कल ओपन होगा। तो अभी मम्मी अनिशा मंदिर गए हैं भगवान जी के दर्शन करने, तो मैं नहीं जा पाई क्योंकि मैं नहा ही नहीं, लाइट नहीं थी, जिस वजह से मम्मी और अनिशा चले गए। वहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है, कीर्तन हो रही है, राम जी के भजन गाए जा रहे हैं, यहाँ तक आवाज़ आ रही है, यहीं मंदिर नज़दीक है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप लोग कैसे सेलिब्रेट करोगे मैं आज का दिन, तो वो आप कमेंट करके बताना। तो ज़्यादा अभी हम कुछ नहीं करें क्योंकि इसके पापा ऑफिस के हुए, अनिशा के पापा और दादू है अंदर, दादू सुबह से लेकर आज तक लगाया हुआ है कि मतलब एक एक मूवमेंट दादू अपने आंखों से देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ। मैं भी देखना चाहती थी पर मेरे को काम था। आज मुझे कपड़े वॉश करने हैं क्योंकि मंडे है आज, तो आज कपड़े वॉश करने हैं और कल से अनिशा का स्कूल है, फिर मुझे इतना टाइम नहीं मिलता उस वजह से। तो बस मेरा अपने मशीन लगा रही हूँ, मुझे सब आपके साथ व्लॉग शूट करना बनता है। तो आज का वेदर बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ा हुआ है और बहुत इस बार ना बहुत अजीब सी ठंड हो रही है, मतलब इतनी ठंड हम घर पे भी नहीं होती क्योंकि यहाँ पर ना इतना कोहरा पड़ा है और बहुत ठंड हो रही है। और जो सामने वाले भैया ने, उन्होंने अपना घर सजा दिया है लाइटों से, ये देखिए पूरा घर को अपने लाइटों से सजा दिया है, क्योंकि आज दिवाली से कम दिन नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हम दिवाली के लिए अपने घर को सजाते हैं, सफाई करते हैं, उसी तरह से आज अपने घर को सजाएंगे और राम भगवान का स्वागत करेंगे पूरे दिल से और खुशी से, राम और सीता और सभी का, मतलब जो उनकी सेना थी सभी का। और बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है क्योंकि जो वो मंदिर था उसका वेट बरसों से हम लोग कर रहे थे कब अयोध्या का मंदिर बनेगा, अब तो ये लग रहा है कि हम लोग कब देख पाए उसको खुद से अपनी आंखों से। तो टीवी वगैरह में तो हम लोग देख पा रहे हैं पर खुद से भी मन कर रहा है, लग रहा है कि वहाँ जाए। आज का दिन पर बहुत ज़्यादा वहाँ पर रश होगा क्योंकि आज बड़े बड़े लोग आएंगे, नेता वगैरह आएंगे, तो कभी भगवान ने चाह तो हमारा, हमें भी बुलावा आएगा तो हम भी जाएंगे। तो अभी चलते अंदर और अंदर जाके दादू को मिलाती हूँ मैं आपको, दादू क्या करें। तो आई मीन आपको जो हमें गिफ्ट हुआ था ये राम मंदिर अयोध्या का, तो मैंने सबसे टॉप में लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया इसको। अभी ये मेरे पास कोई मेक नहीं थी इसको लगाने के लिए, तो मैं होल्ड भी नहीं कर सकती ऐसे, फिर इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया सबसे ऊंचाई पे, क्योंकि हाइट में होना चाहिए हमारा राम मंदिर। ये गिफ्टेड हुआ था दादू को, हम जब हरिद्वार गए थे तो वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मैं इतना प्यारा जो मंदिर है वो मुझे गिफ्ट हुआ। तो चलो अंदर चलते हैं और दादू से मिलाती हूँ। देखिए हमारे दादू यहाँ बैठे हुए हैं। दादू क्या चल रहा है, हो गया शुरू? ये देखिए राम, ये है ना तो मंदिर ना, ये देखिए यहाँ पे मंदिर। और जी वो हमारे प्रधानमंत्री है, वो आ चुके हैं। वो देखो कितना ज्यादा क्राउड हो रहा है ना दादू, कितना ज्यादा रश है ना, बहुत ज्यादा। कितने बजे होना मुहूर्त शुरू है? आप कुछ कहना चाहोगे राम मंदिर के बारे में? जोर से बोलो ना। मंदिर बनवाया है और राम जी अपने मंदिर में आएंगे, हमें खुशी होगी। आप दादू गए थे ना अयोध्या, कब गए थे आप? थोड़ा ऊपर इधर से। कब? 1984 में। उस टाइम कैसा था? उस टाइम तो था ही कुछ नहीं हुआ। आप बता रहे थे कि पहले वहाँ पे मुसलमानों का होता, देखा था आपने वो भी? दादू को भी, दादू तो गए हुए, दादू तो हर जगह घूमे हुए हैं। तो ये तो पहले वैसा ही था मंदिर की, कुछ अलग नहीं, कुछ भी नहीं था पहले तो, नहीं था राम मंदिर तो ऐसे ऐसे रख रहे थे राम जी, मतलब फोटो थी थोड़े उसमें, किसमें बनाया हुआ था इनके लिए स्थान। हाँ अच्छा, तो ये तो सब इंडिया वालों के लिए प्राउड मोमेंट है ना, बहुत बहुत बड़ी बात। हाँ तो पीएम मोदी के लिए क्या कहना चाहोगे, उन्होंने करके दिखाया ना। करके दिखाया, उसने दो काम बड़े अच्छे किए, एक 370 जो धारा
वहाँ जे एंड के में खत्म की एक राम मंदिर का। बहुत अच्छा लग रहा है ना, मन कर रहा है आपका जाने का? जाऊंगा 25 के बाद। हाँ। अभी तो नहीं जा सकते क्योंकि अब दादू एज के हिसाब से अब नहीं जा सकते है ना। तो दादू ना मैं सुबह से कर टीवी लगाया हुआ है, दादू बोल रहे एक एक मूवमेंट देखूंगा मैं टीवी में, अगर जा नहीं सकते तो देख तो सकते है ना दादू, सब कुछ आ रहा है लाइव। तो चलिए हम चलते हैं, मैं अपना काम कर लेती हूँ। दादू आप बैठो फिर, ठीक है। यहाँ पे आ चुके हैं अनायशा और मम्मी। अनायशा कहाँ रह गए? क्यों फोन क्यों नहीं चल रहा? फोन क्यों नहीं चल रहा? स्टोरेज होगी फुल। मम्मी आना कैसा रहा अनायशा मंदिर का टूर आपका? बढ़िया। कैसा रहा? अच्छा रहा, मस्त। शाम को और बुलाया? शाम को तो कितने खाना नहीं खाना होगा, भूख लगी होगी इसको। क्या सब 12 बजे भूख लगी होगी? हैंड वॉश कर लो। यहाँ पे मेरा मशीन लगाई हुई है ना। मजे मामा अभी तेरे मामा कम करो नहीं बोलो दादू को दोस्त। मम्मी क्या क्या मिला, भोग मिला वहाँ पे? हाँ हमारे को 2 प्लेट मिली ना इसकी। कौन दे रहा है मम्मी वहाँ पे? कौन दे रहे मम्मी भोग? भोग देने वाला भोग लाते है, कैसे कौन दे रहा राम का? तो देखिए मम्मी और अनायशा सुबह सुबह राम भगवान जी का जो प्रसाद है वो दे रहे हैं, तो हमें घर बैठे यहाँ पे मंदिर से प्रसाद मिल चुका है मेरे को और दादू को। मेरे को और दादू को प्रसाद मिल चुका है सुबह सुबह हम लोग भी ना जाके। कैसा लगा मंदिर जाके मम्मी? बढ़िया। अच्छा है ना, सजाया हुआ है? औरतें थी मैं बोलने वाले ना हमारे थे पंडित उनके थी औरतें बस कोने में बैठी हुई हमारे नहीं बैठती है ना। हमने क्या हवन नायशा ने हवन कुंड जलाया नायशा हम ठीक गए एक टाइम पे गए ठीक टाइम नायशा ने ये जलाया क्या नाम आग जलाई वहाँ की लड़की आगे रुके वो सारे लोग फिर कन्या के लिए नायशा अपनी मैम से मिली गले मिली मैम में मिली। हाँ नायशा चेयर से नीचे उतरी फिर अपनी मैम से मिली। प्रसाद मिल चुका है मेरे को और दादू को, तो जय श्री राम बोलो। जय श्री राम। अच्छा बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। मजा आया आपको? बहुत आया। मैंने बोला पढ़ाई करिए, मैंने बोला हाँ मैम। जी नहीं बोला तो नायशा को मम्मी ने नायशा ने आंखों में भी काजल लगाया हुआ दोनों पूरे ऐसे तैयार हो गए। और मेरे को देखो तो ना ही भी नहीं जो अभी प्रसाद खा रही हूँ, मैं भूखी पेट हूँ, मैंने अभी कुछ खाया नहीं। चलो ठीक है प्रसाद मिल गया राम भगवान जी का बैठे। मम्मा मम्मा सचिन के लिए हमारे मम्मी सबसे पहले सचिन के लिए हमेशा निकाल दी कुछ भी हो ना सचिन को रखा है, सचिन को रखा है हर चीज। अच्छा व्रत रखा भी है ना इसलिए तो लीफ फ्रूट खा रही है। और जैसा आज खुशी का दिन है हमेशा हमारी लाइफ में सही खुशी का दिन हो और हम लोग ऐसे ही खुश रहे, सभी आप लोग भी सभी ऐसे खुश रहे, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो। नंदू सबकी मनोकामनाएं जय हो, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो है ना। हे गाइस गुड इवनिंग, तो टाइम हो चुका है संध्या आरती का, तो 6:30 हो चुके हैं और हम लोग बाहर आए, तो आप मेरे को बाहर दिखाते हो, ये देखिए किस तरह से सजा हुआ है घर। तो यहाँ पे दिवाली जिस तरह से दिवाली के लिए पटाखे हो रहे हैं उस तरह से ही आज पटाखे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हम लोग सचिन का वेट कर रहे थे कि कब आएंगे, तो हम लोग तो सिर्फ दिए वगैरह जलाएंगे अंदर घर पे जलाएंगे बाहर जलाएंगे। देखिए बच्चे पटाखे कर रहे हैं, वो पट जो नीचे फेंकते हैं ना बच्चों के वो वाले पटाखे कर रहे हैं, तो मैं आपको तो बैक कैमरे से दिखाती हूँ कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए किस तरह से सजा हुआ है घर, ये सब दिए जला दिए उधर भी हमें लग रहा है दिवाली है। दादू कैसे सजा हुआ है? तो दिए तो जला सकते हैं, हमारे घर में भी राम आएंगे तो अंगना सजेगा दीप जलाएंगे। देखिए हमारा राम मंदिर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मम्मी
दिए के लिए मतलब वो उसमें डाल रहे हैं जोत वगैरह जैसे जलती है परांदा और ये कॉटन भी है। फ्रेंड्स ये देखिए मम्मी ने जला दिए और जो मम्मी यहाँ अंदर हम लोग बाहर तेल के जला रहे हैं और घर यहाँ पे जला रहे हैं हम लोग ये अचार से तेल गिर रहा है वो अचार से तेल गिर रहा है टिश्यू क्या थे टिश्यू पेपर जी टिश्यू पेपर लो। तो फ्रेंड मम्मी और नाइशा यहाँ पे आ चुके हैं दिए लेके और ये लोग दिए जलाएंगे अब यहाँ पे हम लोग साइड साइड में दिए लगाएंगे आ जाओ सारे जल गए ना तो नाइशा और मम्मी तो हम लोग सब में यहाँ पे जला देते हैं और बोलो आज बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है ना क्यों हमारे घर राम आ रहे हैं आज दिवाली बन रही है साल की इस साल की पहली दिवाली बन रही है जनवरी में दिवाली बन रही है और सभी के घर में ऐसी खुशियां बनी रहे ही प्रार्थना करते हैं दिया पर जला दे तुलसी के पास यहाँ जला दो एक साइड ये देखिए भैया का कच्ची सजा धजा हुआ है और तो इस साइड कोई नहीं घर नहीं है और पीछे थोड़ा बहुत यहाँ पे बस इन्होंने ही लाइटें लगाई और घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही होंगी आपको चलो पूजा पाठ कर लेते हैं और सामने ये देखिए यहाँ पे दिए तो यहाँ पे हम लोग छत पे जा ये देखिए नशा पटाखे कर ये ऐसे फेंकोगे ना तो ऐसे क्यों फेंक रहे हो पटाखे फोड़ रही है और यहाँ क्या है वो शॉट दिवाली वाले शॉट वाओ कितना सुंदर लग रहा है देखिए लाइटें लगाई हुई लोगों ने भजन लगे तो फ्रेंड्स मेरा खाना बन चुका है और हम लोगों ने हम लोगों ने पटाखे ना शुरू नहीं करे वो कौन से पटाखे थे फुकरू बम उनसे फेंक पे नहीं यार कुछ और बोलते फुकरू बम और आज हम लोगों ने सिंपल डिनर बनाया है और हम लोगों ने बहुत हैवी हैवी खा रहे हो तो इसलिए मैंने आज मिक्स दाल बनाई है और चावल चपाती बनाऊंगी और रची के पापा भी ऑफिस से आ चुके हैं वो उनकी थोड़ी तबीयत नहीं है ठीक वो जो यहाँ पे नेक में वो जो गिट्टी सी हुई ना उस वजह से वो नसों में दर्द हो रही है तो आप पटाखे तो इतनी जोरों शोरों से हो रहे हैं ना कि बम इतना वाला शॉट कौन सा शॉट स्काई शॉट 30-50 ऐसे तो फट ऐसे फटते तो अभी मैं ना थोड़े हाथ गर्म करने हैं क्योंकि चावल ठंडे होने का टाइम है और रोटी तब भी बनाऊंगी तो आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट करा आज का दिन कमेंट करके बताना तो अभी देखते हैं बाहर अभी तो खाना पीना खाते हैं फिर देखते अगर कोई आएगा नीचे रो जाएगा नहीं तो फिर हम लोगों ने तो सिर्फ दिए ही जलाया और थोड़े बहुत छोटे पटाखे करे इस तरह से सेलिब्रेट करा घर में होते गांव में होते तो सबके साथ ज़्यादा अच्छा होता और है ना माई दिवाली तो इस बार भी ही थी हर त्यौहार हमारे घर वालों से दूर हो रहा है अब देखते हैं जब कौन सा त्यौहार घर वालों के साथ मनाते हैं शिवरात्रि नहीं शक एग्ज़ाम ना हो तो ये तो एक गाँव में सचिन से दिखाती हूँ हाँ जी Look at this, इसमें मैंने दवाई लगाई है। well. आज का दिन कैसा है आपके लिए इधर का दिन बहुत ही अच्छा रहा पूजा हुई दिए जलाए हम लोगों ने बहुत सारे 151 और झंडे लगाए और मार्केट इतनी अच्छी सजी हुई थी जी हमें स्टोर दे रहा तुम मजेदार झांकियां निकली झांकियां भी निकल रही थी दो तीन झांकियां देखी हम लोगों ने भी और दो सालों से लटकी पड़ी अभी तक तो हमारी भी मनोकामना पूर्ण हो कभी ना कभी आशा करते हैं आप लोगों से भी आप लोगों के सहयोग से ये 2 साल कैसे कटे हमें पता भी नहीं चला
आगे भी ऐसे सहयोग करते रहे, थोड़ा थोड़ा सहयोग सब करेंगे तभी ठोकिन कपल का नाम आगे बढ़ेगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूँ शुद्ध हिंदी में कि सहयोग करें ताकि हमारे ठोक का नाम रोशन हो। जय हिंद। तो मैं यहाँ पे ना चपातियाँ बना रही थी तो इन लोगों का मन करा कि कुछ खाने का मन करे तो ये लोग स्पेशल मार्केट गए और लाने, ये देखिए क्या लेके आए। हाँ जी, क्या लेके आए? मूंगफली आई है? मूंगफली में दाना नहीं लाई है। ये क्या लाए हो? बर्फी। किस खुशी में? राम आए तो ना शुरू जोर दे, हमें तो खिलाई नहीं है। मम्मी कहाँ तक गए? कहाँ तक गए? मार्केट तक। इसे खाने में जोर दे दे, दादू ने तो अपना फोन चलाया हुआ है। तो मैं यहाँ पे चपाती बना रही हूँ, ये मेरी चपाती चल भी गई है, ध्यान नहीं रहा था। तो मैं चपातियाँ बनाती हूँ, हम लोग डिनर करते हैं अपना। यस, तो फ्रेंड्स डिनर वगैरह हो चुका है और 10 बज चुके हैं और हम लोग कल की तैयारी कर रहे हैं। कल क्या है? कल है नायशा का स्कूल, तो एक मंथ पूरा हो चुका है तो मेरी आदत भी छूट चुकी है मेरे को फिर से उस ट्रैक में आने के लिए आज से तैयारी करनी पड़ी। जिस तरह से नायशा पहले बार स्कूल गई थी ना, उस हम लोगों ने शाम को वैसे दिन तैयारी करे थे, वैसे ही आज भी वैसे दिन तैयारी करे। इसकी जो बॉटल थी वो मतलब जो हमने बॉटल ली थी उसका स्ट्रॉ ना उससे लीक मतलब कट लग गया, तो इस वजह से हमको दूसरी बॉटल लेनी पड़ी इसके लिए। तो उसको हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से रेडी करे। और मम्मी ने पीछे से फ़ोन लगा रहा है, मैं पीछे से फ़ोन मत लगाऊँ थोड़ी देर, गाने कॉपीराइट आता है। फिर उसको मैंने एक्स्ट्रा भी बॉटल रेडी कर देते हैं, फिर न्यू बॉटल है, थोड़ा बॉयल वगैरह करनी पड़ेगी, साफ करनी पड़ेगी। ये देखिए क्या करे हो, क्या करो इसमें, क्या क्या कितने हरिद्वार से लाई थी नाइशू की बॉटल? हमने सारी वाली बॉटल लाई है सचिन, क्यों लाई आपने वाली बॉटल इस बार? क्योंकि मैंने पिछली बार 1400 की बॉटल लिया ना और मेरी बीवी बहुत सफाई वाली है। बीवी ने करा? बीवी ने क्या किया, इसकी स्ट्रॉ यहाँ से काट दी, अब उसकी स्ट्रॉ नहीं मिल रही। कहाँ है वो स्ट्रॉ? पता नहीं कहाँ है। अब कर क्या, 200 रुपए की बॉटल, बेचारी मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मैं सस्ती वाली बॉटल लेके आया। गर्मी में ठंडा पानी थोड़ी दूसरी लेनी पड़ेगी, तब तक तो दूसरी दे लेंगे ना, अभी तो चल पड़ेगा। बट वो बॉटल इतनी अच्छी थी ना, गर्म पानी देते थे ना तो गर्म ही रहता था, ठंडा देते थे तो ठंडा ही। बट उसका मैं कुछ ढूंढूंगा अगर मुझे मिला तो। अब वो सर टिप चुका, चिपकाई मैंने वहीं चल दिया। बॉटल तो बहुत अच्छी है, सब कुछ है, क्या नहीं है, ठंडा वाला वो नहीं है बस इसमें, बाकी बहुत अच्छी है। कितनी अच्छी बॉटल है, और भी स्टिकर इसमें, और इसमें स्टिकर स्टिकर मिले चिपकाने के लिए। चिपकाने दो ना मुझे पहले, तो उसको रेडी करते हैं पहले। तो ये देखिए हमारी बॉटल रेडी हो चुकी है, दिखा इसमें स्टिकर वगैरह जो सारे थे ना, हे लिखा हुआ है इसमें से सारे, इसको रेडी कर दिया है। अच्छा, अच्छी लग रही है ना, एक मिनट देख, ये दोनों बस इनका काम गया है लड़ने का, दोनों का काम लड़ने का, अभी नहीं खोल के देखेगी। हे गाइस गुड मॉर्निंग, तो कल शाम को मैंने ब्लॉग एंड ही नहीं करा, हमें ब्लॉग एंड करना ही भूल गई, हम लोग सो गए क्योंकि कल आज नशा का स्कूल था, तो उस वजह से उसकी तैयारी में भूल ही गई व्लॉग को एंड करना, क्योंकि आज का दिन को ऐसा लग रहा था जैसे मैं फर्स्ट डे था नायशा का स्कूल का, वैसे ही याद लग रहा था क्योंकि 1 महीने बाद नायशा स्कूल जा रही थी और ये लग रहा था कि टाइम से उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे। तो वो लोग चले गए हैं और स्कूल पहुँच के हमको तो ये डर था कि स्कूल जाएगी कि नहीं जाएगी, क्योंकि अब आदत छूटने की थी 1 महीने। बच्चों को क्या होता है कि छोटे बच्चे होते हैं तो जिन पर छुट्टियाँ पड़ जाए तो उनकी आदत निकल जाती है, पर वो चली गई है। मैंने फ़ोन करा था अभी उसके पापा को, तो इस व्लॉग को भी एंड करूंगी। तो होपफुली आपको व्लॉग पसंद आएगा, अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।